निधि को सीढ़ी से नीचे उतरता देख राघव के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। वहीं प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रिया हमेशा से एक बिंदास मस्त मौला इंसान थी, यहां तक कि वह अपने दोस्त से कभी कोई बात छुपाती भी नहीं थी। साथ ही प्रिया अच्छे से जानती थी कि वह निधि को बहुत अच्छे से टैकल कर सकती है, निधि कभी भी उस पर कोई शक नहीं करेगी। प्रिया ने निधि को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग, तुम जाग रही हो, मुझे तो लगा आज पूरा दिन ही तुम्हारा सोने का प्लान है। निधि की आंखें चढ़ी हुई थी, उसने अपनी आंखें मसलते हुए उबासी लेते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग, वैसे जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून है, प्रिया हंसते हुए कहती है, जब जागो तब सवेरा, वैसे तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर भी रही हो या नहीं। निधि प्रिया को देखकर सीढ़ी से उतरते हुए कहती है, हाँ मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, मैंने यहाँ किसी के लड़ने की आवाज सुनी तो बस नींद खुल गई, क्या बात है, क्या हो रहा है। इतना कहते निधि की नजर राघव पर पड़ी, राघव को वहां देखकर निधि के कदम रुक गए। वह हैरानी से राघव को देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना कहने के बाद निधि अपने शब्दों को संभालते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती, मेरा मतलब है कि तुम अभी तक यहाँ हो, गए नहीं। राघव को कोई शब्द नहीं मिल रहे थे कि वह निधि को क्या जवाब दे। राघव कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया कहती, हाँ ये अभी तक यहाँ है, और तुम जानती हो तुम्हारे इस दोस्त ने और मैंने बहुत सारी बियर साथ में पी, और पीने के बाद ये जाहिल इंसान मेरे मुंह पर पैर रखकर सोया था, इसे इतनी भी समझ नहीं है कि एक लड़की के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया इतनी आसानी से निधि को बीती रात हुई सारी बातें कह देगी, और राघव को लग रहा था कि प्रिया कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए निधि से सारी बात छुपाएगी, पर प्रिया ने तो बिंदास सब सच कह दिया था। तभी राघव इरिटेट होते हुए कहता है, हाँ जैसे बियर पीने के लिए धमकी मुझे तुमने दी थी, अपनी भी तो गलती बताओ जो तुमने की। मेरी क्या गलती है, मैं तो बस बियर ही पीना चाहती थी, मैंने थोड़ी ना बोला था कि मेरे मुंह पर अपना पांव रखकर सो, प्रिया राघव की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है। राघव जवाब देता है, मैं बस नशे में था और गहरी नींद में सो गया, आखिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, धमकी, कैसी धमकी। निधि हैरानी से प्रिया की ओर देख कर कहती है। राघव और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राघव बहुत घबराया हुआ था कि वह नहीं चाहता था कि जो किस उसने रात में निधि को किया उसकी सोई हुई हालत में वह प्रिया निधि को बता दे, लेकिन प्रिया कहां चुप रहने वाली। प्रिया ने तुरंत ही निधि की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी नजर राघव पर ही थी, और फिर राघव की ओर इशारा करते हुए वह कहती, ये भूखे भेड़ी की तरह तुम्हें सोते हुए निहार रहा था। व्हाट, कुछ भी कह रही हो तुम, ये सब बकवास है। राघव ने भी प्रिया को उंगली दिखाकर गुस्से में कहा। राघव और प्रिया की नोकझोंक देखकर निधि मुस्कुराते हुए नीचे आ गई, और फिर प्रिया को देखकर कहती, लेट इट बी, कल रात हम सब नशे में थे। प्रिया ने गुस्से में राघव को देखा और चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ मानती हूँ कि हम दोनों ही नशे में थे, लेकिन ये सच में जाहिल इंसान है। निधि प्रिया को बहुत अच्छे से जानती थी, और साथ ही वह राघव के प्रति भी उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वह जानती थी कि उसकी बेस्टी और राघव के बीच में कभी कुछ गलत नहीं हो सकता था। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को एक नजर देखा और किचन की ओर जाते हुए कहा, तुम दोनों फ्रेशन अप हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। प्रिया चिढ़ते हुए कहती है, हाँ वैसे भी मुझे अपने शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। निधि अब किचन में जा चुकी थी। निधि को यह पहली बार मौका मिला था कि वह अपने हाथों से कुछ स्वादिष्ट डिश बनाकर राघव को खिलाए, और निधि यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वो कहते हैं ना, आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होते हुए जाता है। निधि राघव को अच्छा खाना खिलाकर उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। वहीं ऊपर जाने से पहले गुस्से में प्रिया ने एक नजर राघव को देखा। राघव ने भी प्रिया को देखकर मुंह बना दिया। तभी प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ना, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुम सच में एक जाहिल इंसान हो। राघव ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी माफी मांग भी कौन रहा है, तुम बस दारू पियो और अपने होश खो बैठो, उसके बाद फिर तुम किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकती हो, तुम जैसी लड़कियों से मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ। ये सुन प्रिया ने राघव को अपनी उंगली दिखाते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम ना, तुम्हें। इतना कहकर प्रिया गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया को इस तरह चिढ़ते हुए जाता देख राघव मुस्कुरा दिया। वहीं उसका ध्यान निधि पर गया, जो किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ना चाहते हुए भी राघव खुद को रोक नहीं पाया और निधि के पीछे पीछे किचन की ओर चला गया। निधि ने अभी तक कल रात की ड्रेस चेंज नहीं की थी। वह एक शॉर्ट बैकलेस ड्रेस में जिस तरह रात सुंदर लग रही थी, उसकी सुंदरता अभी शरीर में दिखाई दे रही थी। अपनी नजरों पर कंट्रोल करते हुए राघव सीधा निधि के पीछे जाकर खड़ा हो गया।
और निधि जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए पलटी, एकदम से राघव से टकरा गई। अपने पीछे राघव को देखकर उसके पांव लड़खड़ा गए। राघव ने उसे संभालने के लिए अपना एक हाथ उसके कमर में डाल दिया। राघव का टच महसूस करते ही निधि का पूरा शरीर कांप गया। निधि को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे पीछे राघव की चिंता आ जाएगा। निधि राघव की आंखों में देख रही थी। राघव की आंखों में निधि को अपने लिए कहीं ना कहीं प्यार नजर आ रहा था। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। उसके बाद फिर से वह काम में लग गई और काम करते हुए उसने राघव से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर कुछ देर में ही नाश्ता लगा दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। राघव बस मुस्कुराते हुए निधि को देख रहा था। निधि को देखकर राघव उस पर से अपनी नजर हटा नहीं पाता था। इस वक्त राघव निधि की खूबसूरती पर सब कुछ लुटा देने को तैयार था। निधि पराठे के साथ एग भी बॉयल कर रही थी और साथ ही उसने टोस्ट भी बनाए थे। ये एक मामूली सा सिंपल सा नाश्ता था। राघव वहीं खड़े होते हुए निधि को काम करता हुआ देख रहा था। राघव का इस तरह अपने आप को देखना निधि को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। निधि ने एक नजर राघव को देखते हुए कहा, देखो तुम बाहर डाइनिंग हॉल में जाओ, तुम इस तरह खड़े होकर अगर मुझे देखते रहोगे तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तब राघव जाकर निधि के बहुत ही करीब खड़ा हो जाता। वह मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहता, अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इतना कहने के बाद राघव ने निधि के हाथ में रखी हुई प्लेट को अपने हाथ में ले लिया। वहीं निधि ने राघव को देखकर मुस्कुरा दी। निधि को भी उस वक्त राघव का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी निधि के हाथ से एक प्लेट गिर गई। उस प्लेट को उठाने के लिए राघव और निधि दोनों ही झुके, जिससे उन दोनों के सिर आपस में टकरा गए। राघव को लगा शायद निधि को चोट लगी हो, इसलिए उसने तुरंत ही निधि के सिर पर हाथ रखकर उसकी चोट को दबाने की कोशिश की। अपने प्रति राघव का ये झुकाव देखकर निधि कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। वह एकटक राघव को देखे जा रही थी। राघव ने भी जब निधि को देखा तो वह भी निधि की आंखों में खो गया था। वह एक ऐसा कमजोर पल था जब उन दोनों ने अपने आप को भुला दिया था। वह दोनों सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। अब राघव अपने आप पर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने निधि को अपनी तरफ खींचा और फिर उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। वह दोनों लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे के होठों को ब्लॉक करके रखा। लेकिन फिर तभी निधि को इस बात का एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वह गलत हो रहा है। राघव अपनी लिमिट्स क्रॉस करता जा रहा था, इसलिए निधि में एकदम से ही राघव को धक्का देते हुए अपने से दूर किया। उन दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और राघव शर्मिंदा होते हुए बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में निधि ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था और फिर वह दोनों ब्रेकफास्ट शुरू करते उससे पहले ही वहां प्रिया भी आ गई। निधि ने बहुत ही हैप्पीली प्रिया के लिए भी नाश्ता लगाया। जब निधि प्रिया की थाली में खाना परोस रही थी तभी प्रिया की नजर निधि के गाल पर गई जो पूरी तरह से लाल हुए थे। सिर्फ गाल ही नहीं उसके होंठ भी लाल हो गए। प्रिया को इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी गैर हाजिरी में वहां क्या हुआ होगा, इसलिए प्रिया बात बनाते हुए निधि से कहती, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? ये सुन निधि तो कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वह सब याद आ जाता और उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो जाता। उसे देखकर प्रिया समझ गई कि जरूर कुछ तो राघव और निधि के बीच में हुआ है। निधि ने बहुत ही अच्छे से बात को बनाते हुए कहा, क्या सच में मेरा चेहरा लाल है? हो सकता है, रात की थकान नहीं मिटी है ना? प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, रात की थकान या सुबह की? तुम ना कुछ भी बात करती हो, अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो, जल्दी खाओ वरना ठंडा हो जाएगा, निधि ने तेज और कड़क आवाज में प्रिया से कहा। प्रिया की नजर राघव पर पड़ी जो पहले ही बिना किसी का ध्यान रखे बिना किसी की बात सुने अपना ब्रेकफास्ट करा था और उसने उन दोनों के ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया था। राघव एक भूखे जानवर की तरह खाना खा रहा था, जैसे उसे ना जाने कितने समय से कुछ खाने को नहीं मिला हो। प्रिया बहुत ही गुस्से में राघव को देख रही थी। वहीं निधि बड़े ही प्यार से राघव को देख रही थी। निधि को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका बनाया हुआ खाना राघव ने बहुत ही अच्छे से खाया। हालांकि इस बात की कमी थी कि अगर राघव उसके खाने की एक बार तारीफ कर देता तो शायद उसे और ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन राघव के सामने जैसे ही खाना परोसा गया राघव ने बिना इधर उधर देख चुपचाप अपना खाना तेजी से खाना शुरू कर दिया था। वैसे निधि और प्रिया के बीच में हो रही बातों पर राघव का पूरा ध्यान था। राघव ने कुछ देर पहले जो गलती किचन में की थी उस वजह से वह अपनी नजरें उठा भी नहीं पा रहा था। वह जानता था कि निधि इस बात से उससे नाराज है और सच में निधि भी बहुत ही गुस्से से राघव की ओर देख रही थी, क्योंकि राघव से अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसके लिए निधि
उस वक्त तैयार नहीं थी। निधि को वह पल याद करके बार बार इरिटेशन हो रहा था। अपना ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद राघव ने एक नजर मुस्कुराकर निधि की ओर देखा और वहीं प्रिया की ओर देखकर खड़े होते हुए उसने कहा, मैं डाइनिंग हॉल से बाहर गार्डन एरिया में आप दोनों का इंतजार कर रहा हूं, आप दोनों आराम से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए। राघव वहां से उठकर जाता है और उससे पहले ही प्रिया मुंह बनाते हुए कहती, क्या तुम्हें इतने भी एटिकेट्स नहीं है कि जब हम ब्रेकफास्ट कुछ लोगों के साथ करते हैं तो जब तक उनका खत्म नहीं होता तब तक वहीं सबके ब्रेकफास्ट खत्म होने का वेट करना चाहिए? यह सुन राघव ने प्रिया को तिरछी नजरों से देखा और इरिटेट होते हुए कहा, तुम सच कह रही हो, मुझमें किसी भी तरह का कोई एटिकेट्स नहीं है, मैं जाहिल इंसान हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर मैंने खाना खाया है। अब कैलकुलेशन तुम कर लो, कितना सही है कितना गलत है। निधि और प्रिया कुछ कहती उससे पहले राघव डाइनिंग हॉल के बाहर चला गया। थोड़ी देर के लिए वह शांति से बैठा और उसने अपनी सिगरेट जलाई। तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन की रिंग बजते ही उसने अपना फोन देखा तो वह हैरान था। राघव ने फोन उठाते ही बिना हेलो कहे डरे कहा, क्या सब ठीक है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, नहीं कुछ ठीक नहीं है, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन था जिसने राघव को कॉल किया और उसे राघव की मदद की जरूरत है? कैसे समेटेगा राघव यह नया स्यापा? निधि और प्रिया के बीच की दोस्ती खत्म हो गई या फिर वे दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव। राघव का सेलफोन सडनली रिंग करने लगा और फिर राघव ने जैसे अपने सेलफोन पर देखा तो अनुराधा का कॉल था। राघव समझ गया था कि कुछ तो है जो गलत है, क्योंकि अनुराधा राघव को कभी भी यूं ही कॉल नहीं करती थी। इसलिए राघव ने डायरेक्ट ही पूछा था, क्या सब ठीक है? दूसरी तरफ से अनुराधा की आवाज आती, मां ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सुन राघव थोड़ा परेशान हो जाता। वह जानता था कि अनुराधा की मां मधु पिछले कुछ समय से बीमार थी। वहीं वह डॉक्टर से चेकअप कराने या दवाइयां लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती थी। राघव ने अनुराधा से कहा, क्या तुमने उन्हें हॉस्पिटल भेजा है? क्या तुमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उनका इलाज कराया? अनुराधा परेशान होते हुए पैनिक होते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि वो साथ चलने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि वह खुद अपनी बीमारी पर कंट्रोल कर सकती है। राघव बिल्कुल खामोश था, वह कुछ सोच रहा था। तभी अनुराधा आगे कहती, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह मेरी एक भी बात नहीं सुन रही। मैं जानती हूं कि वो जो कर रही है वो गलती है और मैं उन्हें वह गलती करने से रोक भी नहीं पा रही हूं। अनुराधा की आवाज में चिंता दर्द तकलीफ सब नजर आ रहा था। इसलिए राघव ने अनुराधा से कहा, तुम इतना मत घबराओ, अगर तुम घर पर ही हो तो मैं वहां आ जाता हूं। हाँ ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। अनुराधा ने तुरंत रिप्लाई किया। फोन खत्म होने के बाद राघव पहले तो सोफे पर बैठा और उसने एक लंबी सांस ली। फिर वह प्रिया और निधि के पास गया। वह दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। राघव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं यहां से जाऊं, लेकिन तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना, अगर जय और उसके दोस्त तुम्हें परेशान करते हैं या ऑफिस में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करते हैं तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे आसानी से हैंडल कर लूंगा। राघव ने यह बात दो बार कही थी क्योंकि मैं जानता था कि जय आसानी से खामोश नहीं बैठे। राघव की बात सुनकर निधि थैंक यू कहते हुए कहती, रियली थैंक यू राघव, तुमने जो कुछ भी किया लेकिन मैं ठीक हूं और जय को भी मैं हैंडल कर लूंगी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। राघव ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए उस जगह को छोड़ दिया। प्रिया के विला से बाहर निकलते ही राघव ने अपनी कार की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। वह जल्द से जल्द अनुराधा की मां को देखना चाहता। लगभग आधे घंटे में वह उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए और फिर वह अनुराधा के घर की तरफ तेजी से बढ़ गया। घर के सामने पहुंचने के बाद लगभग एक मिनट खड़े होकर राघव को सोचता रहा। फिर उसने हिम्मत करके घर की घंटी बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और उसके सामने अनुराधा रो रही थी। अनुराधा जो हमेशा खुश मिजाज रहती थी, वह आज बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दी। उसका सुंदर सा चेहरा चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। जैसे उसने राघव को देखा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। राघव को देखते ही उसके मुंह से निकला, तो फाइनली तुम आ गए, राघव ने बिना वक्त जाया करे पूछा। तुम्हारी माँ कहाँ है? कमरे में, अनुराधा ने एक ही शब्द में जवाब दिया और फिर राघव को उस कमरे में ले गई जहां उसकी माँ आराम कर रही थी। अनुराधा की माँ को देखकर राघव कुछ देर खड़ा रहा। उसने देखा कि उन्होंने अपना सिर पकड़ रखा है, उनके हाथ पांव हल्के हल्के हिल रहे थे, उनका पूरा शरीर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था,
जैसे कि वह बहुत ज्यादा दर्द सह रही हो। मां, राघव यहां है, अनुराधा ने कहा। मधु जो अपने पेट के बल लेटी हुई थी, यह शब्द सुनने के बाद बहुत ही कठिनाई से पलटी। उसका बेहद मुलायम गोरा चेहरा बेहद पीला दिख रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों की झलक थोड़ी विचलित लग रही थी। उसने अभी अभी हिम्मत करके अपने दर्द को सहन करते हुए कहा, राघव तुम यहां आ गए, लेकिन तुम्हें इस तरह बुलाने का मुझे बहुत अफसोस है। मधु आंटी, ऐसा मत कहो। राघव आगे बढ़ा और मधु आंटी के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सर में कीड़े भर गए हों और मन कर रहा है कि मैं अपने बाल खींच खींच के उखाड़ दूं। ये दर्द मेरे बर्दाश्त के बाहर है। मधु आंटी जब ये सब कह रही थी तो ऐसा लग रहा था मैं एक एक शब्द बटोर रही हूं और उन्हें यह सब कहने में बहुत ताकत इकट्ठी करनी पड़ रही। राघव तुरंत ही अनुराधा की तरफ मुड़ा और उसने आश्चर्य से अनुराधा को देख कर कहा, मुझे लगता है कि शायद इनकी तकलीफ को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है वह बंद कर दी गई। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, अनुराधा ने तुरंत कहा। और जब इस तरह इन्हें तकलीफ होती है तो क्या हमेशा ये इसी तरह दर्द से तड़पती हैं? क्या हमेशा इनको इसी तरह का दर्द होता है? राघव ने पूछा। अनुराधा कुछ कहती है, उससे पहले ही आवाज आती है, एक दर्द भरी आवाज। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अगर इसे सहन कर पाओ तो अच्छा है, और मैं इस दर्द को सहन करने की अपनी पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन सच में ये बहुत दर्दनाक असहनीय है, मधु आंटी ने अपने कमजोर टूटे फूटे शब्दों में कहा। इसका मतलब यह है कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, कोई भी दवाइयां इस पर असर नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ है? राघव ने अनुराधा की ओर देखकर पूछा। अनुराधा ने अपने दोनों कंधे उचकाकर इशारे में जवाब दिया और उसके कहने का यही मतलब था कि उससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। मधु आंटी ने अपना सिर हिलाया और अपने दांतों को पीसते हुए सिर्फ राघव की तरफ एक नजर देखा। उनका पीला चेहरा, उनकी सूजी आंखें देखकर राघव को उन पर दया आ गई। अनुराधा की तरफ देखकर राघव ने पूछा, क्या ऐसा कोई पेन किलर घर में है जिससे इनको थोड़ी देर राहत मिल जाए? अनुराधा ने ना में अपना सिर हिला दिया। ये देख राघव ने अनुराधा से कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ पेन किलर लेकर आना चाहिए जिससे इन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिले। बाकी फिर मैं पता करता हूँ इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है और क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ पेन किलर्स लेकर आती हूँ, वहीं पलंग के पास रखा हुआ अपना पर्स उठाते हुए रोहिणी ने कहा। अभी राघव ने अनुराधा को रोकते हुए कहा, तुम रुको, मैं जाता हूँ, तुम्हें अपनी माँ के साथ होना चाहिए, कोई मत जाओ, कोई कहीं मत जाओ, बस मेरे पास रहो। तभी मधु आंटी अपनी कमजोर भरी आवाज में कहती। राघव ने इशारे से अनुराधा को अकेले ही जाने के लिए कहा, क्योंकि वह समझ गया था कि वह दोनों आंटी को अकेले नहीं छोड़ सकते और अब अनुराधा के लिए आंटी को संभालना मुश्किल होगा। अनुराधा अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही बड़े कदमों के साथ उस कमरे से बाहर निकली। अनुराधा के उस कमरे से जाते ही अब उस कमरे में राघव और मधु आंटी थी। मधु आंटी दर्द में कराह रही थी। राघव सोच रहा था कि वह कैसे भी करके उन्हें रिलैक्स महसूस करवाए। उसने आंटी को रिलैक्स करने के लिए कहा, मधु आंटी रिलैक्स, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हैं, अगर आप थोड़ा रिलैक्स करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। मधु आंटी ने अपनी आंखों को कस के बंद किया और दोनों हाथों की मुट्ठी बना ली। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वे अपने शरीर में हो रहे दर्द को रोकने की कोशिश कर रही हैं। राघव उनकी यह हालत देखकर समझ गया था कि उसका यह कहना कि थोड़ा रिलैक्स करो बहुत आसान था, लेकिन जो दर्द मधु आंटी सहन कर रही थी उस दर्द को महसूस कर पाना भी उसके लिए बहुत कठिन था। उसने पहले कभी भी इस तरह की बीमारी या दर्द सहन नहीं किया था। हाँ, युद्ध के दौरान कई बार गहरी चोट लगने के बाद उसे कुछ दर्द का एहसास जरूर होता था और किसी हमले के दौरान तेज सिरदर्द भी उसने कई बार महसूस किया। राघव इस बार अपने आप को बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। वह सिर्फ और सिर्फ मधु आंटी का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उन्हें बेहतर महसूस हो। अचानक ही दर्दनाक चीख उस कमरे में गूंज गई। मधु ने अपने होंठ दबा लिए, हाथों की मुट्ठी बना ली, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी, चेहरा बिल्कुल ही सफेद पड़ गया था, वह बहुत ज्यादा विचलित हो रही थी। लगातार जोर जोर से वह चीखने लगी, उनकी चीख राघव के कानों को फाड़ रही थी। फिर उन्होंने अपने हाथों से अपने बाल जोर से पकड़कर जोर से खींचना शुरू कर दिया। मधु आंटी शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और उसने मधु आंटी की बाहों को पकड़ ली ताकि वे अपने बाल ना खींचे और खुद को नुकसान ना पहुंचाए। मधु एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो नाजुक और कमजोर लगती थी, लेकिन इस समय दर्द की वजह से वह बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से संघर्ष कर रही। ना केवल उनके हाथ बल्कि उनके पैर भी इधर उधर लड़खड़ा रहे थे।
और उनका पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था, जैसे मरोड़ रहा हो। उनका चेहरा दर्द से भरा हुआ था, उनकी आंखें कसकर बंद थी और आंखों में आंसू। वह समय समय पर दर्द से चिल्ला रहे, उनके दर्द से बचने की आवाज इस पूरे कमरे में गूंज रही थी। आंटी बोली, आंटी क्या आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज संभालिए खुद को। राघव ने मधु को शांत करने की अपनी पूरी कोशिश करते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। मधु के कठिन संघर्ष के दौरान उनके शरीर में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे करंट लग रहा हो। उनके पूरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, कपड़े अस्त व्यस्त होने की वजह से उनका पूरा शरीर दिखाई देने लगा। राघव ने पास में ही पड़ी एक शॉल उठाकर उन्हें पहनाते हुए उनके शरीर को जोर से पकड़ा और अपने हाथों की ताकत से हिलाते हुए चीख कर कहा, आंटी आंटी मधु आंटी संभालो अपने आप को, संभालिए सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा संयम रखिए। फूट फूट के रोते हुए मधु आंटी ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, इस दर्द को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस तरह जीने से बेहतर मर जाना ही अब मुझे सही लग रहा है, मुझे मौत दे दो, मुझे मरना है, बस मुझे मरना है। राघव ने बहुत ही प्यार से आंटी को अपने गले से लगाया, आंटी का दर्द हल्का हल्का कम होने लगा, लेकिन उनके आंसू नहीं रुक रहे। कहीं ना कहीं राघव की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि किसी को इस तरह दर्द में तड़पता देख राघव का दिल भी दहल सा गया। जंग के समय उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, लेकिन इस तरह दर्द में कभी किसी को तड़पते हुए उसने नहीं देखा था। अश्विन रेड्डी ने उसे मौत की भीख जरूर मांगी थी, लेकिन राघव जानता था कि अश्विन रेड्डी बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था और उसके लिए मौत से बढ़कर कोई और सजा नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे सांस लेते हुए कुछ देर के लिए आंटी शांत हो गई। आंटी जैसे ही शांत हुई राघव ने भी एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से आंटी के शरीर को छोड़ा और उन्हें बिस्तर पर लिटाने लगा। तभी अचानक से एक बार फिर आंटी को दर्द महसूस और उन्होंने अपने हाथों से जोर से अपने बाल खींच लिए। ये देख राघव ने फिर से एक बार उनके हाथ जोर से पकड़ लिए। वह फिर से बहुत घबरा गया, वह आंटी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि वह कैसे भी करके आंटी को अपने आप को चोट पहुंचाने से रोक। मधु आंटी जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत चाहिए, मुझे इस दर्द से छुटकारा दो, मैं इस तरह तड़प तड़प के नहीं मरना चाहती, मुझे एक ही बार में मार दो। राघव के समझ से बिल्कुल बाहर जा रही थी सारी बात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कैसे भी करके उसने अपने आप को भी कंट्रोल में रखा हुआ था। आंटी अचानक से अपने पूरे शरीर को मरोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ पांव में मोच आ जाएगी अगर उन्होंने खुद पर कंट्रोल नहीं किया। ये देखते हुए राघव ने कुछ देर के लिए आंटी को पूरी तरह से छोड़ दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। फिर अपने दाहिने हाथ की कलाई को कसते हुए उसने आंटी गर्दन पर दे मारा। ये एक बहुत जोर का प्रहार था। मधु आंटी की ये आखिरी चीख थी। इस चीख के बाद उन्होंने अपना हाथ गर्दन पर रखा और तुरंत ही आंखें मूंद ली। राघव अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक आंटी को देख रहा था। आंटी वहीं अपने बिस्तर पर गिर गई। उस कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। क्या चाहता था राघव और क्यों उसने मधु आंटी गर्दन पर वार किया? आंटी बेहोशी में थी या उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव। राघव एक सुपर कमांडर था। ट्रेनिंग के दौरान किसी भी इंसान को कैसे बेहोश किया जाए ये सिखाया जाता है और वह अपने पंच और अपने एक्शन में बहुत ही माहिर था। ऐसा नहीं था कि वह मधु आंटी को खुद संभाल नहीं सकता था, लेकिन उसे डर था कि जिस तरह वह दर्द में तड़प रही थी कहीं अपने आप को ही कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए उसको सिर्फ एक ही ऑप्शन समझ में आया। उसने आंटी के गले पर वार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। मधु तुरंत ही बेहोश हो गई थी। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए उन्हें दर्द से राहत जरूर मिली थी। वह कोमा में चली गई थी। जो दर्द वह महसूस कर रही थी उस दर्द से कोमा में जाना ज्यादा बेहतर था। मधु बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वहीं राघव वहां खड़े होकर हैरानी से उसे देख रहा था। राघव को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने खुद से ही मधु को बेहोश कर दिया, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एक नजर राघव ने इधर उधर देखा और तुरंत ही वहां बिस्तर पर रखा हुआ चादर
मधु को उड़ा दिया, क्योंकि जो शॉल राघव ने मधु को उड़ाई थी वह भी दर्द की वजह से मधु ने अपने ऊपर से फेंक दी थी। अगर उस कमरे में कोई और राघव को इस तरह देखता तो उस पर शक होने लगता। राघव दूर खड़े होकर मधु को देख रहा था, तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राघव पलट कर देखता है तो अनुराधा तेज कदमों से कमरे के अंदर आ रही थी। अनुराधा ने जैसे ही मधु को बिस्तर पर बेसुध सोता हुआ देखा वह चौंक गई। उसने घबराते हुए राघव से पूछा, क्या हुआ है मॉम को, वह इतनी शांत कैसे हैं? राघव एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए अनुराधा के कंधे पर हाथ रख कर गया। अभी अभी तुम्हारी माँ का दर्द अचानक से तेज हो गया था, वह उस दर्द को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने बाल खींचना शुरू कर दिया था और वह खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उतारू हो रही थी। मैंने बस तुम्हारी माँ को समय से बाहर निकाला है, चिंता मत करो, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ना ही उन्हें कोई चोट लगी है, उन्हें बस कुछ देर सोने की जरूरत थी और मैंने उनकी मदद की। राघव की बात सुनकर अनुराधा ने चैन की सांस ली, हालांकि उसके चेहरे पर चिंता भी नजर आ रही थी। उदास होते हुए धीमी आवाज में अपनी आंखों से आते आंसू को पोंछते हुए अनुराधा ने राघव से कहा, तुमने मेरी माँ की हालत देखी है ना, तुम बताओ कि मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं कैसे उनकी मदद करूं? मधु को कई बार इस तरह के झटके आते थे जिस दर्द का वह सामना करती थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन अभी तक कोई भी बेहतर इलाज नहीं मिल पाया था। अनुराधा ने दूसरे शहरों में जाकर भी अपनी मां के इलाज के बारे में पता किया था लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। मधु को जो बीमारी थी उसका इलाज हर किसी के बस की बात नहीं थी। मधु की तरफ देखते हुए राघव ने कहा, मेरा मानना है कि बार बार इन्हें बेहोश करना सही नहीं होगा, उन्हें जो दौरे पड़ रहे हैं हो सकता है कि अभी महीने में एक बार है, फिर हफ्ते में एक बार होगा और फिर हर रोज, और उनके लिए इस तरह का दर्द सहना मौत से भी बदतर हो जाएगा। इनके लिए क्या, किसी के लिए भी इस तरह का दर्द सहना आसान नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द उनका सही इलाज करवाएं। यह सुन अनुराधा की आंखों में आंसू और ज्यादा आ गए। दुखी तो वह पहले से ही थी लेकिन हर दिन उसकी मां को इस तरह का दर्द सहना होगा, यह सुनकर उसका दुख और ज्यादा बढ़ गया। तो राघव ने अपने हाथों से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए राघव ने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मां की बीमारी का इलाज ढूंढ लूंगा, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे पता लगवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अनुराधा हैरानी से राघव को देखकर कहती, क्या सच में मॉम की बीमारी का कोई इलाज मिल सकता है? राघव ने हां में सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यकीन रखो जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हम वैसे भी इस तरह हार नहीं मान सकते, इस दुनिया में ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से स्पेशलिस्ट हैं जो हर किसी की नजरों में नहीं है, बस हमें उन तक पहुंचने की देर है, अगर हम उन तक पहुंच जाते हैं तो इलाज भी संभव है। कहीं ना कहीं राघव की वजह से अनुराधा ने राहत की सांस ली, क्योंकि राघव की बातों पर उसे यकीन था, उसे यकीन था कि अगर राघव कह रहा है तो उसकी मां का इलाज जरूर संभव होगा, वरना उसने तो उम्मीद ही खो बैठी थी कि वह अपनी मां की कभी कोई मदद भी कर पाएगी, उसकी मां का कोई इलाज मिल पाएगा। लेकिन आज फिर से उसे लग रहा था कि जल्दी सब कुछ पहले से बेहतर होगा। आज का पूरा दिन भी राघव का यूं ही बीत चुका था, शाम भी ढलने लगी थी और रात होने के पहले वह फिर से स्टीफन यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गया। हालांकि राघव के निकलने से पहले मधु को होश आ गया था और उस वक्त उसका सिर दर्द पहले की तरह नहीं कर रहा था, वह बहुत ही बेहतर महसूस कर रही थी। लेकिन राघव और अनुराधा दोनों ही जानते थे कि मुसीबत कुछ देर के लिए ही टली है। अनुराधा की मां मधु को फिर से दौरा पड़ सकता था और वह दौरा इतनी जल्दी लौट कर आएगा यह फिलहाल कोई नहीं जानता था। यूनिवर्सिटी के रास्ते पर राघव पूरे समय मधु के इलाज के बारे में ही सोच रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वह सीधा अपने कोर्टयार्ड में चला गया। स्टीफन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल नैना अग्रवाल अपने लिए खाना बना रही थी, जिसे देखकर राघव समझ गया था कि वाइस प्रिंसिपल जरूर अपने कोर्टयार्ड में ही होंगी। फिलहाल राघव बहुत थका हुआ था, आराम के साथ साथ उसे बहुत तेज भूख लगी थी। अपने कोर्टयार्ड में जाने के बाद सबसे पहले उसने फ्रिज खोल कर देखा, फ्रिज में फ्रेश सब्जियां, दूध, ब्रेड सब रखा हुआ था लेकिन प्रॉपर खाना नहीं था।
राघव को खुद अपने लिए खाना बनाना था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। राघव खाना बनाने में बहुत ज्यादा आलस महसूस करता था। हमेशा उसे यही लगता था कि बिना बनाए परोसा हुआ खाना मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाए। फ्रिज खोलकर कुछ देर अपने हाथ बांधे फ्रिज के सामने वह खड़ा रहा। वह अपने आप को तैयार कर रहा था खाना बनाने के लिए, लेकिन उसका आलसी मनुष्य बार बार कह रहा था कि बिना खाए सो जाना ही बेहतर है, वही क्या जल्द से जल्द इजीली बन जाएगा। इस ख्याल में वह फ्रिज में रखे हुए सामान को निहार रहा था। तभी खाने की मस्त वाली खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नजदीक में कोई बैंगन की मसालेदार सब्जी फ्राइड राइस के साथ में मस्त पराठे बना रहा था और राघव उस खुशबू की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने अपने पास वाले फ्लैट में जब देखा तो वह समझ गया था ये खुशबू वहीं से ही आ रही है। स्टीफन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल नैना अग्रवाल अपने लिए खाना बना रही थी। बस फिर क्या था, राघव इधर उधर से झांकते हुए नैना को आवाज लगाने लगा, मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम जी। इस तरह से 3-4 आवाज लगाने के बाद में भी उधर से कोई आवाज नहीं आई तो राघव अब अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर बालकनी गार्डन की दीवार कूदकर नैना के फ्लैट में जाने का उसने प्लान किया। तभी उसे परछाई नजर आई। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? नैना बिना देखे ही राघव की आवाज सुनकर समझ गई थी कि वह आवाज राघव की है। राघव मासूम से बच्चे की तरह कहता है, आपके घर से बहुत ही अच्छे खाने की महक आ रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप खाना बना रही हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मैं बस उस खाने को चखना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ डिनर कर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब जाओ यहां से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बिना देखी नैना ने राघव को जवाब दे दिया था। इतना कहने के बाद राघव नैना का एटीट्यूड अच्छे से जानता था। उसे पता था कि नैना इस तरह का ही बर्ताव उसके साथ करेगी। अरे रुकिए रुकिए मैडम, सच में बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मेहनत रंग लाई थी। मैंने उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए शर्त रखने के बारे में सोचा तो सही, ये सोचते हुए उसने कहा। जो को मैडम जी, बस आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तैयार है, जल्दी से आओ और खाना परोसो, बर्तन उठाओ। ये सुनते राघव ने दौड़ लगा दी और तुरंत ही नैना के कमरे में पहुंच गया। कुछ ही देर में उन लोगों ने खाना परोस दिया था। नैना ने राघव के लिए बहुत ही अच्छे से खाना परोसा, यहां तक कि जिस बाउल में चावल थे उस बाउल को आधे से ज्यादा खाली कर दिया था राघव की ही प्लेट में। नैना को ऐसा करते देख राघव हैरान हो गया और फिर उसने कहा, क्या आप नहीं खाएंगी? आपने तो आधे से ज्यादा खाना मुझे परोस दिया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना खाना नहीं खाती हूं, वो तो किस्मत से आज मुझसे ज्यादा खाना बन गया था, वरना 2 रोटी और 1 कटोरी चावल बहुत होते हैं। राघव और नैना ने हैप्पीली खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाते वक्त वे लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। नैना राघव को पूरे दिन में यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ वह बताने लगती है। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उस बारे में वह लोग बात कर रहे थे। तभी नैना के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई। राघव ने उदासी का कारण पूछा। नैना ने उससे कहा, आज यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत बड़ा तमाशा हुआ और उसी में मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। ऐसा क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में जो नैना की उदासी का कारण बना, जिसकी वजह से नैना पूरे दिन बिजी रही? क्या ये सब राघव से संबंधित है या फिर कोई और ही बात है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव।